ग्राम पंचायत लहसर के पोषक ग्राम पटना कला में 2 साल से स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनने के लिए स्वीकृति मिली हुई थी, परंतु पंचायत के द्वारा शौचालय निर्माण नहीं कराया जा रहा था, जबकि ग्राम पंचायत लहसर में निर्मल ग्राम घोषित का बोर्ड लगा हुआ था, जिसको लेकर मैंने जनवरी 2016 को समस्या वीडियो बनाया और बदलाव के लिए प्रयास किया, समुदाय में मीटिंग किया, वीडियो दिखाया और साथ ही लोगों को प्रेरित किया कि ग्राम सभा में इस मुद्दे को बार बार रखें जब तक कि यह समस्या हल नहीं हो जाती। समुदाय के द्वारा ग्राम सभा में बार बार प्रयास किया गया, जिसमें अब शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। दीदी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो शौचालय की समस्या थी, क्या वो समस्या हल हो गई? जी, समस्या हल भाई है। आप लोगों ने क्या किया था तब? सरोज दीदी ने वीडियो बना के ले गई थी, तो आप आदेश दी थी, ऊपर दी थी, तो फिर सचो सरपंच से बात किए थे, तो फिर गांव की समस्या कुछ हल किए। सचो सरपंच ने यहाँ पे कोशिश किए तो कुछ हल भाई है, सचो सरपंच ने बनवाया है। अच्छा, ये आपका बस बना है कि सभी पटना कला के लोगों का बन गया है? सभी लोगों का बन गया है। अब कैसा लग रहा है शौचालय बन गया? शौचालय बन गया दीदी, अच्छा लग रहा है। लड़की बेटी कहीं बाहर नहीं जाती, इंसान मन के हैं कुछ, तो बाहर नहीं जाने पाते तो परेशानी रहती, तो कुछ घर में जाने लगे, लड़की बेटी भी यहीं घर में जाने लगे। जिन लोगों ने इस समस्या को हल करने में मदद की है, उनको क्या कहना चाहती हो? दीदी सब अधिकारी को और सरोज दीदी को धन्यवाद देते हैं। सर जी, जैसे पटना कला में शौचालय नहीं बने थे, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी थी? इस समस्या के बारे में पता चला जब मैंने देखा आप ये सरोज परस्ते के द्वारा जी जो वीडियो देखा था, उसके आधार पर मेरे को जानकारी लगी थी कि उस समय पे शौचालय नहीं बने थे। और अब बन चुके हैं। उस समय पे नहीं बने थे शौचालय, लेकिन आज की स्थिति में शौचालय का निर्माण हो चुका है। इस समस्या को हल करने में मुझे 5 साल लगे और यह बदलाव लाने में मुझे समुदाय का सहयोग मिला। इस बदलाव में जो सहयोग किए हैं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और समुदाय के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि इस समस्या को गंभीरता से लिया और समस्या का निदान किया और अब पटना कला के 800 लोगों को इसका फायदा हुआ। मैं सरोज परस्ते, ग्राम पटना कला, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।